हेलो एनएसफैम, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलिसा लैम की सच्ची घटना, जिसने द एलिवेटर रिचुअल को इतना ज्यादा फेमस कर दिया था। गाइस, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है रियल सीसीटीवी फुटेज, और ये जो सीसीटीवी फुटेज है ना, ये देखने के बाद पूरी दुनिया चौक गई थी। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप ये सीसीटीवी फुटेज देखोगे ना, तो अगर आप भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास करते नहीं हो, तब भी आप विश्वास करने पे मजबूर हो जाओगे। आपको गूज़बम्प्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसी दिन, जिस दिन ये फुटेज रिकॉर्ड हुआ, उसी दिन एलिसा लैम की मौत हो गई थी। मतलब ये फुटेज एलिसा लैम की लाइफ की लास्ट फुटेज है। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि एलिसा लैम कौन थी, उसके साथ क्या क्या हुआ, एवरीथिंग। और ये भी बोल सकती हूँ कि अगर आप हॉरर रिचुअल्स में विश्वास नहीं करते हो, देन आज के बाद से आप जरूर विश्वास करोगे। Passive income might sound too good to be true, but आज के sponsor Honeygain के साथ नहीं। आप बस अपना internet connection को share करके extra cash जीत सकते हो, just like Airbnb और Uber। बस इस मामले में आप अपने घर या कार के बजाय अपने device का उपयोग कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये आपके living cost को cover नहीं करेगा, but लाखों लोग Honeygain को use करके अपने Netflix और Spotify subscription pay कर रहे हैं। हर महीने games या in-game items खरीदे। Also आप अपना earning को boost कर सकते हैं with Honeygain का new mode Jump टास्क। क्रिप्टो दुनिया में आगे बढ़े और रिसीव करे 10% एक्स्ट्रा। आप जब चाहे नगद निकाले, नो लिमिट्स। ये ऐप आपका कोई भी पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं करता है, इंस्टीड ये वेब से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देता है, जैसे कि कौन सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है या फिर नकली चीजें कहाँ पे ऑनलाइन बेचा जा रहा है। सो डोंट वेट एंड साइन अप नाउ एंड मेरा स्पेशल प्रोमो कोड का यूज करे, तो आपको अपना पहला $5 मिलेगा। आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड करें। एलिसा लैम एक 21 ईयर्स की स्टूडेंट थी, जो पढ़ाई करने लॉस एंजलिस गई थी, और लॉस एंजलिस की एक होटल में उसने चेक इन किया था, जिस होटल का नाम है होटल सिसिल। एंड गाइस, ये जो होटल है ना, ये माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल्स इन द वर्ल्ड है, एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो कि उतना ज्यादा नॉर्मल नहीं है, मतलब पैरानॉर्मल है। इस होटल से बहुत सारे लोगों ने सुइसाइड किया है, बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं, इवन ऐसे भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको मर्डर का नाम तो दिया गया, पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चला। 26 दिसंबर 2013 में एलिसा लैम कैनेडा से लॉस एंजलिस आई थी, और इस होटल में उसने चेक इन किया था। जब से एलिसा ने उस होटल में चेक इन किया था, उसके बाद से एलिसा बिल्कुल गायब सी हो गई थी, मतलब उसको किसी ने देखा ही नहीं था। ऑलमोस्ट एक महीना बाद 19 फरवरी के दिन एलिसा लैम की लाश मिली उसी होटल की टॉप फ्लोर की वाटर टैंक में। और जैसे वो बॉडी मिली गाइस, आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो, एलिसा लैम की बॉडी में कोई भी कपड़ा नहीं था। जिस दिन एलिसा का लास्ट फुटेज सीसीटीवी में आया था, उस दिन के कुछ दिन बाद से होटल के सारे रूम्स में ना पानी का फ्लो बहुत कम हो गया था। मतलब कोई भी अगर नल खोल रहा था तो पानी बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था, और उसी होटल की एक रूम में ब्लैक कलर की पानी आ रही थी, मतलब काले रंग की पानी गिर रही थी नल से। तो लोगों ने होटल की मैनेजमेंट को कंप्लेन किया कि हमारे नल से कम पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, और पानी में ना एक बहुत ही ज्यादा बदबू था। एंड गाइज, सबसे गंदी बात यह है कि उस होटल में जो भी लोग रहते थे ना, उसी पानी को पीते थे, तो वो जो पानी था ना, उसमें कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा था जो कि नॉर्मली पानी में नहीं होता है। तो होटल के मैनेजमेंट के पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स गई कि पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। पर गाइस, ये होटल बहुत ज्यादा सस्ता होटल था, मतलब बोला जाता है कि लॉस एंजलिस का वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट होटल था ये। तो जो लोग थे वहां पे, वो सोच रहे थे कि इतना चीप रेट में हमें होटल मिल रहा है, तो शायद कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही पानी आता होगा, तो इसलिए कुछ लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया था। एंड गाइस, उस होटल की मैनेजर ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम में ये बताया कि जिस टाइम पे एलिसा ने चेक इन किया था उस होटल में, तब उसने एक हॉस्टल रूम में चेक इन किया था, मतलब जिस रूम में बहुत सारे बेड्स होते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं एक साथ, लाइक ए हॉस्टल। इस हॉस्टल रूम का रेंट बहुत ही ज्यादा कम पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके इसे शेयर करते हैं। पर 2-3 दिन बाद एलिसा ने ज्यादा पेमेंट करके एक नया
प्राइवेट रूम ले लिया था। उस रूम में जितने भी लोग रहते थे एलिसा के अलावा, हर किसी ने होटल की मैनेजमेंट में ये बताया था कि एलिसा का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से बातें करती है, अजीब से रहती है, उसका बिहेवियर ही अजीब है। जब से एलिसा उस हॉस्टल रूम से प्राइवेट रूम में चली गई, तब से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। लास्ट टाइम उसे देखा गया उसी होटल की एक एलिवेटर में, मतलब लिफ्ट में, और वो भी बहुत ही अजीब हालत में। गाइस, आप इस फुटेज में देख सकते हो कि एलिसा लिफ्ट के अंदर चली गई है और वो ना अजीब तरह से लिफ्ट के बाहर झांक के देख रही है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा या फिर लिफ्ट के बाहर कोई और है तो नहीं। और गाइस, आप ये वाला सीन देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही है। ऐसा होता है ना जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं कि किसी से छुप रहे हैं, कोई हमें ढूंढ रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि कोई तो वहाँ पे है जो एलिसा को ढूंढ रहा है और एलिसा उसे देख रही थी, मतलब एलिसा ही उसे देख सकती थी, क्योंकि लिफ्ट की ये जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें हमें कोई भी नहीं दिख रहा है। और आप देखो, एलिसा ने अजीब तरह से लिफ्ट के बहुत सारे बटन्स प्रेस कर दिए। हम जब लिफ्ट से कहीं जाते हैं ऊपर या नीचे, हमें जिस फ्लोर में जाना है हम उसी का बटन प्रेस करते हैं, पर एलिसा ने बहुत सारा बटन इकट्ठे प्रेस किया था, जिसको देख के लगता है कि वो एक एलिवेटर रिचुअल कर रही थी, हॉन्टेड एलिवेटर रिचुअल। एंड इसके बाद आप गौर से देखो, एलिसा फिर से बाहर जाके देखती है कि कोई उसे देख रहा है, मतलब उसको किसी का इंतजार है, उसे पता है कि कोई तो है जो उसे ढूंढ रहा है और वो उसी से छुप रही है और बार बार बाहर निकल के देख रही है। इवन गाइज, होटेल्स की जो लॉबी का कैमरा होता है सीसीटीवी, उसमें भी देखा गया कि उस टाइम पे कोई था या नहीं, पर उसमें भी यही पाया गया कि उस टाइम पे लॉबी में कोई भी नहीं था। एंड इसके बाद एलिसा बहुत ही अजीब तरीके से लिफ्ट से बाहर आ जाती है, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एलिसा किसी से बात कर रहे हैं, और इतना टाइम हो गया है फिर भी वो लिफ्ट बंद नहीं हुआ। इसका मतलब कि कुछ तो वहाँ पे अजीब था, इसीलिए वो लिफ्ट बंद नहीं हुआ था, नहीं तो इतनी देर तो कोई भी लिफ्ट नहीं रुकता। गाइस, आप ध्यान से देखो, बाहर किसी के साथ बात करने के बाद एलिसा फिर से लिफ्ट में आई, और आप ध्यान से देखो गाइस, अभी तक एक बार भी वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, मतलब कुछ तो वहाँ पे फिशी जरूर था। और इसके बाद वो बहुत ही अजीब तरह से दोनों हाथों से लिफ्ट के सारे बटन्स को प्रेस कर देती है, और ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करेगा ना। और ये करने के बाद फिर से एलिसा लिफ्ट से बाहर गई, और बाहर जाके हाथ हिला हिला के वो किसी को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, कुछ बातें करने की कोशिश कर रही है। और गाइस, वो ऐसे हाथ हिला रही है ना, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो तैर रही है हवा में ही। मतलब आप सोचो, वो इस फुटेज में तैर रही है और उसकी बॉडी मिलती है उसी होटल की वाटर टैंक में, पानी के अंदर। तो आप कुछ लिंक कर पा रहे हो क्या? मतलब जब भी मैं ये वीडियो देखती हूँ ना, मुझे इतना ज्यादा डर लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी तक लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ, जबकि लिफ्ट के बटन प्रेस किए गए थे। गाइज, बहुत सारे लोगों ने ना ये वाला फुटेज देख के ये सोचा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि एलिसा लैम ने कोई नशा किया हो या फिर कुछ ड्रग्स लिए हो। पर जब उसकी लाश मिली, उसके बाद एलिसा लैम की पोस्टमार्टम करी गई, और पोस्टमार्टम करने के बाद भी उसकी ब्लड स्ट्रीम में कोई भी ड्रग्स, कोई भी नशीली पदार्थ या फिर अल्कोहल का बिल्कुल भी ट्रेस नहीं मिला। इन रिपोर्ट्स के मिलने के बाद जब एलिसा लैम के माँ बाप को क्वेश्चंस किए गए, तब उन्होंने बोला कि एलिसा लैम को एक बीमारी थी जो कि एक मानसिक बीमारी होती है, उसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें किसी किसी दिन इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है और किसी किसी दिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पर ये जो डिसऑर्डर है, इसमें कोई भी आज तक ऐसा बिहेव नहीं किया है। और अगर होटल की स्टाफ्स की मानो तो वो तो बोलते हैं कि ये कोई ऐसा बीमारी है ही नहीं जिसके चलते कोई भी इंसान ऐसा एक्ट करे। गाइस, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं किसी ने जानबूझ के एलिसा लैम को मार दिया, पर उस होटल की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में उस टाइम पे लॉबी में कोई भी नहीं दिखा, मतलब वहां पे एलिसा लैम अकेले थी
और वो अकेले ही बात कर रही थी। और जब उसकी पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम में भी यही पाया गया कि उसकी बॉडी में कोई भी वुंड या कोई भी निशान नहीं है। उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ वाटर टैंक में डूबने के कारण से ही हुआ था। गाइस, जो सिसिल होटल है ना, वो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मतलब उसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। तो इसीलिए उस होटल का जो एकदम रूफ टॉप होता है, वो एरिया हमेशा लॉक किया हुआ रहता था। एंड इवन अगर कोई वो लॉक खोलता, तब वो होटल में एक अलार्म बजता था। ऐसा ही सिस्टम था। तो लोग ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि एलिसा गई कैसे रूफ टॉप पे। इवन उस होटल का जो वाटर टैंक था, वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा लंबा था, और उसका जो ढक्कन था ना वाटर टैंक का, सिर्फ और सिर्फ वो लिड ही 12 किलो का थी। एंड इवन गाइस, ये बात सुन के तो आप चौंक जाओगे कि जब भी कोई इंसान अगर लिड को हटा के वाटर टैंक के अंदर वो गिर भी जाता है, तो वो तुरंत डूब जाएगा ना, तो वो लिड को बंद कैसे करेगा। पर एलिसा लैम की केस में उसने उस लिड को बंद भी किया था, और बंद करने के बाद वो डूब गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लिड इतना परफेक्टली क्लोज्ड था कि उसको देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि शायद किसी और ने ही उस लिड को बंद किया हो। और तो और, एलिसा लैम की बॉडी में कोई भी कपड़ा नहीं था, उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। इसका मतलब ही होता है कि उसने खुद ही अपने कपड़े उतारे, फिर वो उसके अंदर कूद गई। बहुत ढूंढने के बाद भी एलिसा लैम के कपड़े आज तक किसी को नहीं मिले। गाइज, एलिसा लैम की ये जो केस है ना, ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। किसी को नहीं पता कि कैसे उस दिन इतनी देर तक वो लिफ्ट खुली की खुली रह गई, एक बार के लिए भी वो बंद नहीं हुआ। एलिसा क्यों ऐसे अजीब बिहेव कर रही है, किसी से छुपने की कोशिश कर रही है, किसी से बात करने की कोशिश कर रही है, इवन वो अकेले अकेले हवा में तैरने की कोशिश कर रही है। जैसे कि उसे पहले से पता था कि वो एक वाटर टैंक के अंदर जाने वाली है और वहां पे जाके तैरने वाली है। एंड गाइस, इस होटल में सिर्फ एलिसा लैम की ही केस नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इस होटल में ऐसी चीजें होना बहुत ज्यादा आम था। मतलब वहां पे बहुत सारे लोग सुसाइड करते थे, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी रहते थे, और वहां पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती थी। अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना होटल सिसिल के बारे में, देन आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। गाइस, बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर कोई भी बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट अपनी मेडिकेशन को स्किप कर दे, देन उसके साथ ऐसी हेल्यूसिनेशन वाली एपिसोड्स हो सकती है जिसमें कुछ टाइम तक उसे हेल्यूसिनेशन हो, मतलब जो है ही नहीं उसी को वो देख पाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। और इसीलिए बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को बोला जाता है कि वो अकेले कहीं पे भी ट्रैवल ना करे। पर फिर भी मैं मानती हूँ कि एलिसा लैम को बाइपोलर डिसऑर्डर था, पर वो लिफ्ट वो क्यों नहीं बंद हुआ? इतना टाइम तक अगर कोई लिफ्ट खुला रहेगा और बटन प्रेस किया हुआ रहेगा, तो वो लिफ्ट को तो बंद होना चाहिए था। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए तो वो खुला नहीं रह सकता। वो लिफ्ट खुला था, एलिसा लैम की डेड बॉडी में कोई भी कपड़े नहीं थे। उसके कपड़े कहाँ गए? किसने उस वाटर टैंक की लिड को प्रॉपरली बंद किया? और एलिसा लैम कैसे टॉप फ्लोर तक चली गई, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, जो हमेशा लॉक्ड रहता है, जिसको खुलने से अलार्म बजता है? आपको क्या लगता है, क्या वो लिफ्ट के अंदर एलिवेटर रिचुअल कर रही थी, या फिर उस लिफ्ट में कुछ पैरानॉर्मल या फिर हॉन्टेड कुछ भी है? आप क्या सोचते हो, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ही ये सब कुछ हुआ है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ऐसे ही रियल सच्ची घटनाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये स्टोरी सुन के अच्छा लगा है, देन इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।